सरकार। अच्छा, पर आप चाहते ही कांग्रेस बस्तर में आया है। हाँ। अक्टूबर में फैसला होगा, फिर भी 100 रुपए का सिलेंडर था बीजेपी जब से आई। हाँ। 420 के आए, अब कहाँ पहुँच रहा है, 1100 पहुँच गया है, तो बीजेपी को कोई देगा? लोग परेशान है। देख रहे हैं चुनाव एक्सप्रेस और इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतक के बस स्टैंड पर। हम यहां पर जनता से जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनावों में वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव हुए, एक तरफा रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत हुई, लेकिन अब 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है। आम जनता से जानेंगे कि वो आखिर किसकी सरकार बनाना चाहेंगे। अगर विधानसभा चुनाव है 3 महीने बाद, क्या लगता है किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? कांग्रेस। कांग्रेस, जैसे इस तरह इस बार लोकसभा में एक तरफा जीत हुई रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा की, तो आपको लगता है इस बार भी लहर कांग्रेस की देखने को मिलेगी? वोट देता हूँ कांग्रेस। अच्छा, कारण क्या क्या रहेंगे? बीजेपी ने काम नहीं किए पिछले कुछ सालों में, काम कर रही है सारी सरकार। अच्छा, पर आप चाहते ही कांग्रेस? बस ठीक है, आप वोट डालती होंगी, आप किसको चाहेंगे? बीजेपी कांग्रेस के बताओ यार, फिर भी कोई चले सारे चोर बैठे। अक्टूबर में है। हाँ। अक्टूबर में फैसला होगा, फिर भी अंदर तो इच्छा होगी, तब भी तो इच्छा होगी। हमारे को कोई रोटी पहुंचाता है? सरकार तो बननी है ना, फिर भी बनेगी, बन जाएगी, जिसकी भी बने हम क्या करेंगे? कोई भी वोट तो डालेंगे, जब टाइम आएगा डालेंगे, जब मन करेगा। दिमाग क्या पता कब घड़ी कैसा बदल जाता है। फिर भी मुद्दे क्या क्या होते हैं सर? गरीबों को राशन चाहिए, गरीबों को जो सुविधा है वो देना चाहिए। अब 400 रुपए का सिलेंडर था बीजेपी जब से आई, 420 के आए, अब कहाँ पहुँच रहा है, 1100 पहुँच गया है, तो बीजेपी को कोई देगा? तो बीजेपी कह रही साथ साथ तरक्की भी हो रही है, लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, आमदनी बढ़ रही है। हमारी तो कुछ इनकम बढ़ी नहीं। अच्छा। जाएं या कांग्रेस में चले जाएं या कोई और पार्टी के में चले जाएं, हमारा अभी कोई फैसला नहीं है। अगर जी 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार बने हरियाणा में, खासकर अब हरियाणा की बात की जाए तो क्या लगता है कौन सी सरकार चाहते हैं? मैंने तो कांग्रेस की है। कांग्रेस? अच्छा, मतलब इस बार लोकसभा चुनाव में रोहतक से पूरे हरियाणा में भी बात की जाए, 5-5 सीटें तो बढ़ गई, लेकिन रोहतक में एक तरफा जीत दीपेंद्र की हुई, तो उसी को देखते हुए कह रहे हैं आप चाहती हैं कांग्रेस? मैं कहूँ कांग्रेस की बनाएगी। अच्छा, क्या क्या मुद्दे रहेंगे जनता के, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार काम? वो मुद्दे रहेंगे बेरोजगारी, महंगाई, लोग परेशान है, बेरोजगारी इतनी फैला दी, महंगाई इतनी कर दी, कितने 500 का सिलेंडर, 400-380 का सिलेंडर होता, ये 800 को 800 कर दिया, महंगाई बहुत कर दी।